मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। जॉन टोरी तीसरी मर्तबा कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो के मेयर मुंतखब। टोरी को रिहायशी बुरहान और $1 बिलियन से ज़्यादा के बजट खसारे का सामना। जॉन टोरी का कहना था, नामुकम्मल मंसूबों की तकमील के लिए पुरअज़म हूँ। ऑन्टेरियो में गैर मुल्कियों के लिए रिहायशी मंसूबा बंद टैक्स में इजाफा। हुकूमत का टैक्स 20% से बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। टैक्स से खजाने में $175 मिलियन की आमदनी मुतवक्का। कनाडा को सनअती शोबे में मजदूरों की कमी का सामना। एक साल में $13 बिलियन का नुकसान। कैनेडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। बोरिस जॉनसन का वजीर आजम की दौड़ में शामिल होने का फैसला तर्क। भारतीय निजात, ऋषि सोनक बिला मुकाबला कंजर्वेटिव पार्टी के सरबरा मुंतखब। इंडियन निजात ऋषि सोनक मुल्क के सरबरा बनने के लिए तैयार। यूक्रेन मोहलिक शुआएं बनाने के आखिरी मराहिल में है, रूस का इल्ज़ाम। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक मोहलिक बम का धमाका किया तो इसकी तबाहकारियाँ पोलैंड तक फैलेंगी। रूस ने ईरान को 2000 ड्रोन्स का ऑर्डर दे दिया, यूक्रेनी सदर का दावा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. जॉन टोरी तीसरी मर्तबा कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो के मेयर मुंतखब हो गए। इस वक्त टोरंटो को रिहायशी बुरहान और $1 बिलियन से ज़्यादा के बजट खसारे का सामना है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जॉन टोरी तीसरी मर्तबा कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो के मेयर मुंतखब हो गए हैं। इस वक्त टोरंटो को रिहायशी बुरहान और $1 बिलियन से ज़्यादा के बजट खसारे का सामना है। 68 साल टोरी ने सिटी हॉल में मेयर की कुर्सी पर फाइज रहने के लिए 30 दूसरे बड़े उम्मीदवारों को शिकस्त दी। पोल्स की रिपोर्टिंग की अक्सरियत के साथ वो कम से कम 62% वोट हासिल करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे थे, जबकि उन्होंने 2018 में 63.5% वोट हासिल किए थे। हामियों से खिताब के दौरान उनका कहना था कि मैं इस यकीन और एतमाद के लिए तहे दिल से मशहूर हूँ जो आपने अगले 4 सालों के लिए एक बार फिर हमारे शहर की क़यादत करने के लिए मुझ पर किया है। उन्होंने अपनी मुहिम टीम और तमाम उम्मीदवारों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस इलेक्शन में अपने नाम बैलेट पर डाले और मज़ीद कहा कि उन्हें यकीन है कि उन्हें वोटर्स की जानिब से मजबूत मैंडेट दिया गया है। जॉन टोरी ने कहा कि मैं इस शहर के मुस्तकबिल के बारे में बहुत पुरउम्मीद हूँ। हमारे पास बहुत से मनसूबे हैं जिन्हें मुकम्मल करना है, जिसे मैं देखने के लिए पुरअज़म हूँ। सिटी काउंसिल की नई मुद्दत में जॉन टोरी के पास इस साल ऑन्टेरियो की प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव हुकूमत की तरफ से टोरंटो और ओटावा के रहनुमाओं को दिए गए नाम नहाद मजबूत मेयर के इख्तियारात इस्तेमाल करने का इख्तियार होगा। बॉनी क्रॉम्बी दोबारा मिसिसागा के मेयर मुंतखब हो गई हैं। लिबरल पार्टी के साबिक रहनुमा स्टीवन डील डॉका ने वॉन में कामयाबी हासिल की है, जबकि पैट्रिक ब्राउन ब्रैम्पटन में दूसरी बार मेयर के तौर पर काम करेंगे। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो गैर मुल्की शहरियों की तरफ से खरीदे गए घरों पर गैर रिहायशी मनसूबा बंद टैक्स को 20% से बढ़ाकर 25% कर रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो गैर मुल्की शहरियों की तरफ से खरीदे गए घरों पर गैर रिहायशी मनसूबा बंद टैक्स को 20% से बढ़ाकर 25% कर रहा है, जो कि मंगल से नाफजल अमल है। सूबे के वजीर खजाना का कहना था कि ये इकदाम ऑन्टेरियो की टैक्स की शरह को कनाडा में सबसे ज्यादा बनाता है और गैर मुल्की कयास आरइयों की हौसला शिकनी की कोशिश करता है। नौजवान खानदान, नए आने वाले और सूबे भर में रहने वाले अपने घर का ख्वाब देखते हैं, एक ऐसा ख्वाब जो बहुत से लोगों की पहुँच से दूर है। ऑन्टेरियो के घरों के खरीदारों की मदद के लिए हमारी हुकूमत
सूबे की हाउसिंग मार्केट में गैर मुल्की कयास आरायों की मजीद हौसला शिकनी के लिए गैर रिहायशी टैक्स की शरह में मजीद 5% इजाफा करके 25% कर रही है, जो उसे कैनेडा में सबसे ज्यादा बना रही है। म्यूनसिपल उमूर और हाउसिंग के वजीर स्टीव क्लार्क का कहना था कि हम ऑन्टेरियो के हाउसिंग सप्लाई के बहरान को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। अगले 10 सालों में 1.5 मिलियन नए घर बनाकर और इस बात को यकीनी बनाकर कि ऑन्टेरियो के बाशिंदे हमारी मौजूदा हाउसिंग सप्लाई तक रसाई हासिल कर सके। ये इकदाम वाजे तौर पर ऐसा करने के लिए हमारे अजम का वाज इशारा है। ऑन्टेरियो के इस साल के बजट से जाहिर होता है कि इस माली साल में गैर रिहायशी कयास आरआई टैक्स से खजाने में $175 मिलियन लाने का इम्कान है। कैनेडा को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मुल्क गिर लेबर और हुनरमंद अफराद की कमी की वजह से गुज़िश्ता साल तकरीबन $13 बिलियन का नुकसान हुआ है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडा को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मुल्क गिर लेबर और हुनरमंद अफराद की कमी की वजह से गुज़िश्ता साल तकरीबन $13 बिलियन का नुकसान हुआ है। कैनेडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स के मुल्क भर की 17 सनतों में 563 मैन्युफैक्चरर्स के सालाना लेबर सर्वे से पता चला है कि तकरीबन 2/3 अफराद ने वर्कर्स की कमी की वजह से मुआहदे खोए या मुस्तरद कर दिए और पैदावार में ताखीर का सामना किया। तंजीम के मुताबिक उन मसाइल के नतीजे में होने वाले जुर्माने और फरोख्त का नुकसान मजमूई तौर पर $7.2 बिलियन था। CME ने कहा कि उसके साथ साथ 43% कंपनियों ने कमी की वजह से सरमाए के मनसूबे मुलतवी या मनसूख कर दिए हैं, जिसके नतीजे में मजीद $5.4 बिलियन की सरमाकारी का नुकसान हुआ। वबाई बीमारी के सनती शोबे में लेबर मार्केट पर देरपा असरात मुरतब हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगातार 2 सालों से 80% से जायद मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि उन्हें मजदूरी और हुनरमंद अफराद की कमी का सामना है, जो कि 2020 में 60% से जायद है। CME के सदर और CEO डेंस ड्रॉबी ने कहा है कि ये शोबा वबाई मर्ज से पहले मजदूरी के मसाइल से निमट रहा था, लेकिन वबाई अमराज के दौरान मुश्किलात में इजाफा हुआ और हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, जैसे जैसे माशरती नुक्ता नज़र से वबाई बीमारी में आसानी हुई, मजदूरों की कमी के बारे में खदशात हमेशा की तरह मजबूत थे। पूरे कनाडा में 2500 से जायद कंपनियों की CME नुमाइंदगी करता है, जिनमें से ज़्यादातर छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार हैं। भारतीय निजात ऋषि सोनक कंजर्वेटिव पार्टी के सरबरा मुंतखब हो गए, जिसके बाद वो बरतानिया के वजीर आजम का ओहदा भी संभालेंगे। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय निजात ऋषि सोनक कंजर्वेटिव पार्टी के सरबरा मुंतखब हो गए, जिसके बाद वो बरतानिया के वजीर आजम का ओहदा भी संभालेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बोरिस जॉनसन के वजीर आजम बनने की दौड़ में शामिल होने का फैसला तर्क करने के बाद अब इंडियन नजात ऋषि सोन मुल्क के सरबराह बनने के लिए तैयार है। पैनी मॉडर्न मतलूबा 100 अरकान की हिमायत हासिल करने में नाकाम रही, जिसके बाद ऋषि सोनक को पार्टी की सरबराही मिली। सिर्फ 2 माह कबल अराकीन ने साबिक वजीर खजाना ऋषि सोनक के बजाय लेस्ट्रिस को मुंतखब किया था, जिन्हें अराकीन पार्लियामेंट में ज्यादा हिमायत हासिल थी। साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन क्रीबियन में छुट्टियां गुजारने गए हुए थे, मगर लेस्ट्रिस के मुस्ताफी होने के बाद नए वजीर आजम की दौड़ में शामिल होने के लिए वापस पहुंच गए थे। रूसी वजारत दिफा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि यूक्रेन मोलिक शुआएं बनाने के आखिरी मराहिल में है, जबकि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने ईरान को 2000 ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूसी वजारत दिफा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि यूक्रेन मोलिक शुआएं बनाने के आखिरी मराहिल में है, जबकि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने ईरान को 2000 ड्रोन्स का ऑर्डर दे दिया। मास्को से रूसी वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन मोहलिक बम के लिए ईंधन चेर्नोबिल एटमी स्टेशन से हासिल कर सकता है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन ने मोहलिक बम का धमाका किया तो उसकी तबाहकारियां पोलैंड तक फैलेंगी। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि रूस ने मुमकिन शुआरेजी से बचाव के लिए पेशगी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने ईरान को 2000 ड्रोन्स का ऑर्डर दे दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की ने गैर जानबदार रहने पर इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया। इसराइल रूस और ईरान के इत्तेहाद से कुछ सबक सीख ले। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल 2014 में हमारी मदद करता, नौ नौबत यहाँ तक न आती। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।